हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 16 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे. इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर्टेनिंग टू एमपीपीएससी. सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेद समाज फाउंडेड बाय हुम, मतलब वेद समाज की स्थापना इनमें से किसने की है. तो इसका सही आंसर वैसे दो है. पहली बात तो यह है कि इसके पहले फाउंडर कहे जाते हैं के श्रीधरालु नायडू और साथ ही साथ केशव चंद्र सेन, ये दोनों कंसिडर किए जाते हैं वेद समाज के फाउंडर. अब बात की जाती है वेद समाज की स्थापना कहां पे हुई और कब हुई. तो इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में 1864 में. ओके, 1864 मद्रास, और फाउंड किया था के श्रीधरालु नायडू जी ने और साथ ही साथ केशव चंद्र सेन जी ने. अब बात की जाती है दूसरे ऑप्शंस के साथ भी डील कर लेते हैं. केशव चंद्र सेन जी ने इसके अलावा एक आदि ब्रह्म समाज नाम की भी संस्था क्रिएट की थी. ओके, आदि ब्रह्म समाज ABS, और इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी आप याद रखिएगा. 1865 को आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने. इसके बाद अगर ऑप्शन सी की बात की जाए तो राजा राम मोहन रॉय, आप सभी लोग जानते होंगे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी. इसका ईयर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 1828 को राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी. और ये कहां पे की थी ये भी आप याद रखिएगा, इन्होंने की थी स्थापना कोलकाता में. अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि इनमें से किसने दी. तो इसका सही आंसर है अकबर द्वितीय, मतलब अकबर टू ने, अकबर द सेकेंड ने राजा राम मोहन रॉय जी को राजा की उपाधि दी थी. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखना चाहिए. अगर आपसे पूछा जाए कि वेद समाज के फाउंडर कौन है तो याद रखिएगा कि दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, के श्रीधरालु नायडू और साथ ही साथ केशव चंद्र सेन. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन इनमें से कौन है. याद रखिएगा 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एनके सिंह. एनके सिंह इज कंसिडर्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंशियल कमीशन. अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की. तो फाइनेंस कमीशन की स्थापना पहले हम जान लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब हुई. तो इसकी स्थापना मींस फाउंडेशन हुई थी 15th ऑफ मार्च 1950 को फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुई. इसके पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था केसी नियोगी. ओके, ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की जो कि है वाई वी रेड्डी, तो ये 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे. और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो वो थे एनके सिंह. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि गोवा स्टेट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया. याद रखिएगा गोवा बिकेम स्टेट वाया विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया. मींस गोवा बिकेम स्टेट वाया 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अब ये कब आया था तो आप याद रखिएगा 1987 को 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके तहत गोवा बिकेम स्टेट. अगर बात करते हैं पहले ऑप्शन की जो कि है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसके तहत सिक्किम स्टेट बनाया गया. ओके, सिक्किम बिकेम स्टेट वाया 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1975 को. ओके, याद रखिएगा 1975 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को स्टेट बनाया गया. अगर बात की जाए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसके तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का मींस NCR का दर्जा दिया गया था. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी यूरोपियन कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है. याद रखिएगा लैंडलॉक्ड नहीं है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रोएशिया. क्रोएशिया जो है वो लैंडलॉक्ड नहीं है. अब हम इसकी राजधानी भी देख लेते हैं और साथ ही साथ पहले मैप में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि ताकि आपको अच्छे से मैप क्लियर हो जाए. तो लेट्स लुक इनटू मैप. तो आप ये मैप देख सकते हैं, यूरोप का मैप. ओके, लेट मी जूम इट. तो जैसा मैंने आपको इसका आंसर बताया, इसका आंसर है क्रोएशिया जो कि एक लैंडलॉक्ड देश नहीं है. क्रोएशिया की कैपिटल भी याद रखिएगा, क्रोएशिया की कैपिटल भी हमें याद होना चाहिए. इसकी कैपिटल है ज़ाग्रेब. आई होप मैं प्रोनाउंस सही तरीके से कर रहा हूं. ZAGREB इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया. अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो ऑस्ट्रिया. अब ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक्ड है, आप देख सकते हैं इसकी कोई भी बॉर्डर एक सी से मैच नहीं करती है, मीन्स टच नहीं करती है. तो आप ये देख सकते हैं ऑस्ट्रिया एक और लैंडलॉक्ड है. इसकी कैपिटल है वियना. याद रखिएगा वियना ऑस्ट्रिया. अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो स्विट्जरलैंड.
तो स्विट्जरलैंड आप देख सकते हैं, ये है स्विट्जरलैंड, ये भी एक लैंडलॉक्ड है। अब इसकी भी कैपिटल आप याद रखिएगा, इसकी कैपिटल है बर्न, BERN, बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो वो है हंगरी, तो आप देख सकते हैं ये है हंगरी, इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। याद रखिएगा इसकी कैपिटल और साथ ही साथ कौन सा देश इनमें से लैंडलॉक्ड नहीं है, तो क्रोशिया लैंडलॉक्ड नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से। याद रखिएगा अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से इनमें से कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से। लेट्स लुक इनटू मैप सो दैट वी कैन गेट बेटर ग्लिम्स ऑफ द टॉपिक। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है हमारा मेडिटेरियन सी, ओके, और ये है हमारा अटलांटिक सी, नॉर्थ अटलांटिक सी। तो ये यहां पे स्पेन और मोरक्को मीन्स आप देख सकते हैं इसके बीच में है यहां पे जिब्राल्टर। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन मीन्स अटलांटिक सी को, अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी के साथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए। अगला ऑप्शन है कि पाक स्ट्रेट। अब ये पाक स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, ये आप जानते होंगे कि ये इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है। पाक स्ट्रेट कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका को। इसका भी मैप देख लेते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो सके। तो आप ये देख सकते हैं इंडिया का मैप, और इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, नीचे आप देखेंगे श्रीलंका, ओके, ये देखिए इंडिया और श्रीलंका कनेक्ट होते हैं पाक स्ट्रेट के थ्रू। अगला ऑप्शन है फार्मोसा स्ट्रेट। अब ये फार्मोसा स्ट्रेट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फार्मोसा स्ट्रेट कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से, ओके, साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करता है फार्मोसा स्ट्रेट। इसका भी मैप में देख लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आप ये देख सकते हैं ये है हमारा साउथ चाइना सी और ये ऊपर है ईस्ट चाइना सी। ये फार्मोसा स्ट्रेट जो है जो ताइवान में है, ताइवान के पास, ताइवान और चाइना, तो ये कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सो आई होप यू लाइक दिस लेसन। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज प्रीवियस प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक है t.me/AdityaDubeMPPSC। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक या ट्विटर में भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubeMPPSC और ट्विटर में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साइबर आदित्य। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक। बाय बाय।